आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से 10 की 10 सीटों पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। रैलियों का आगाज हरियाणा में हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जून को सिरसा से पहली रैली का आगाज किया था। आज दूसरी रैली सोनीपत में होने जा रही है। इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं शताब्दी एक्सप्रेस में मौजूद हूं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है शताब्दी से सोनीपत जा रहे हैं और केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा आज हरियाणा को जो करोड़ों की सौगात है वो मिलने वाली है। मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। सर, रैलियों का आगाज हरियाणा में हो चुका है। पहली रैली 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आ रहे हैं। करोड़ों की सौगात मिलने वाली है हरियाणा को। देखिए, आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और केंद्र सरकार, केंद्रीय हमारी इकाई ने एक योजना बनाई है, सारे देश भर के लिए बनाई है, हरियाणा में भी लागू हुई है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों में रैलियां भी करेंगे और जो छोटे कार्यक्रम है उसमें, चाहे वो प्रबुद्ध जनों से कार्यक्रम करने की बात है या हमारे बेनिफिशरीज हैं उनके साथ कार्यक्रम करने की बात है, मीडिया के साथ संपर्क करने का विषय है, तो ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना बनाई गई है जो इस महीने जून के महीने में 30 जून तक सारे पूरे होंगे। एक रैली कल ही 18 तारीख को हमारे परसों हुई, जो हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने की थी, आज परिवहन मंत्री जी सोनीपत आ रहे हैं और इसी प्रकार से आगे 25 तारीख को फरीदाबाद में मेरी कार्यक्रम है, 24 को पानीपत में जो करनाल लोकसभा की सीट है, 10 के 10 जगह पर ये कार्यक्रम हमारे होंगे और जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल चरखी दादरी, जो हमारा एक प्रकार का ऐसा एरिया, कोई बहुत हमारा प्रभावी क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अभूतपूर्व रैली हुई थी। इसी प्रकार से सब रैलियों का समर्थन हमको मिल रहा है। जनता इस समय इंतजार कर रही है कि आने वाले चुनाव में सब 10 की 10 लोकसभा सीटें पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। सर, अमित शाह जी आए थे, हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की, पिछली सरकारों की तुलना आपके कार्यकाल में किस तरह से बेहतर जो किसानों को उनकी फसल का MSP मिला या फिर तमाम मुद्दों पर, चाहे वो नौकरियों के बात हो, पारदर्शिता भी मिली, तो पिछली सरकारों में जिस तरह से नौकरियों को लेकर जो सौदेबाजी होती थी, तो काफी प्रशंसा जो अमित शाह द्वारा आपके कार्यकाल की गई थी। देखिए, हम जानते हैं आज से 9 साल पहले, जो 10 साल उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चली थी, एक भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भाई भतीजावाद, उससे सब आदमी एक प्रकार से त्रस्त थे कि किसका काम होना किसका नहीं होना है। लोग जो है अपने अपने लोगों को ढूंढते रहते थे, कमीशन भी खाते थे, सब करते थे और हर किसी को, यानी एक डर था, खास करके गरीब आदमी को, जो वो डरता था दबंग आदमियों से कि कौन आदमी किस समय हमको उठा करके और हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा दे। तो ऐसी सब चीजों से जनता को मुक्ति मिली है, आज जनता प्रसन्न है, हर आदमी की बात सुनी जाती है, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, कोई भी हो, किसी की बात को रोका नहीं जाता है। लोकतंत्र का असल जो एक पैमाना होता है वो यही होता है कि हर किसी की बात को सुना जाए। हाँ, जो कानून व्यवस्था को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उस कार्रवाई को करना भी जायज है ताकि दूसरे लोगों को उसका असर ना जाए। तो इसलिए कोई भी गलती करेगा, दोषी होगा, उसको दंडित किया जाएगा, निर्दोष को कहीं कुछ कहा नहीं जाएगा, ये एक वातावरण प्रदेश में बना है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमने किसी भी लेवल पर ये जो भ्रष्टाचार हर स्थान पर कोई ना कोई मुंह बाहे खड़ा होता था, उनको सबको रोका है। यानी यहाँ कहा जाता था कि एक इंडस्ट्री चलती थी, वो उस इंडस्ट्री में चाहे वो CLU हो, चाहे वो यानी एक प्रकार का नौकरियां हो, भर्तियां हो, इनकी सबकी दुकानें खुली हुई थी, हमने सब बंद कर दी हैं। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार किसी के साथ होता नहीं है। भाई भतीजावाद जहां तक विषय है, आज पूरे हरियाणा में सब लोगों का एक साथ काम होता है, मेरिट के ऊपर लोगों के काम होते हैं, मेरिट को सम्मान करते हैं हम। तो इन सब बातों को लेकर के हरियाणा की जनता का जो एक जिसको कहना चाहिए बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं। सबको लगता है कि जो पिछले ऐसे दोष थे, दुर्गुण थे, उनसे निजात पाई है और आज जनता जिस प्रकार से उमड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाला चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः आगे आएगी। आपने कहा था कि जो सफेद कुर्ते वाले थे, जो जेब में नौकरियां डाल के चलते थे पिछली सरकारों में, उनके कुर्ते हमने खूंटे पे टकवा दिए। आप हालांकि गांव में जब जाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, युवाओं से बातचीत भी करते हैं, तो आपकी सरकार की प्रशंसा भी की जाती है कि आपने किस तरह से पारदर्शिता से जो युवाओं को नौकरी दी मेरिट के आधार पर। मैंने तो कहा कि जो धौल कपड़िया कमीशन एजेंट होते थे,
जो किसी का भी काम कराने के लिए गांव से उठा के ले आते थे, उसकी गाड़ी भी उसकी लाते थे, तेल भी उसका डलवाते थे, यहाँ आकर उसका खर्च भी करवाते थे और बाद में उससे कुछ ना कुछ सेवा पानी के नाम से ही मांगते थे। ऐसे सब लोग वो बेरोजगार हो गए हैं और ये जो कांग्रेस बेरोजगारी का अलाप करती है, ये अलाप भी उसी में से है कि उनके ऐसे लोग जो उनके चारों तरफ घूमते थे, पहले उनको ये सब धंधे मिले हुए थे, वो धंधे बंद होने से वो कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी उनकी हुई है जो ये गलत काम करते थे। उन गलत काम करने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी दोबारा से नजदीक आने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। हाँ, उन लोगों को भी कोई ना कोई काम मिले, ऐसे लोग खाली रहेंगे तो भी खाली दिमाग शैतान का घर, वो भी कोई ना कोई काम करें, धंधा करें, इसके लिए हम योजनाएं दे रहे हैं। कहीं कोई अपना उद्योग चलाए, अपना कोई कहीं प्राइवेट नौकरी करे, अगर योग्यता व्यक्ति योग्य है तो वो सरकारी नौकरी में भी आए। हम पॉलिटिकली भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, योग्य व्यक्ति का हमेशा सम्मान है, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता। सर, ये आंकड़ा कहाँ से लाते हैं बेरोजगारी का? ये आंकड़ा मैंने बताया ना, उनको कोई ना कोई एक प्राइवेट मैगजीन है और वो उठा के देती रहती है कि अब 10 लाख हो गए, 15 लाख हो गए, 34 लाख हो गए, फिर 8 लाख हो गए, ये झूलता रहता है उनका, केवल एक पॉलिटिकल उनका एक एजेंडा है, इसको घुमाते रहते हैं। हमारे पास आंकड़ा, हमारा सुनिश्चित सही आंकड़ा जो लोगों का सेल्फ डिक्लेयर्ड आंकड़ा है, वह परिवार पहचान पत्र में बताया हुआ कि मैं बेरोजगार हूं। जो स्वयं बेरोजगार कहता है उससे बड़ा तो आंकड़ा नहीं हो सकता। वो आज भी 6 से लेकर 8% के बीच में करता है, वेरी करता है, कभी कुछ लोगों की नौकरी लगती है, कभी नए वर्ष में लोग पढ़ाई लिखाई करके फिर आते हैं, उनको काम की तलाश होती है। तो ये आंकड़ा हम चाहेंगे कि आगे चल करके इसमें भी कैसे कमी लाएं, लेकिन 6 से 8% की आंकड़ा, ये अच्छे जो विकसित देश है उनमें भी 6-7% का आंकड़ा ही बेरोजगारी का हमेशा रहता है। तो 6 से 8% बेरोजगारी बहुत ऐसी बेरोजगारी नहीं है। हाँ, हर किसी की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो जो रोजगार होता उसको ये कहना चाहिए कि वो अपनी रोजगार से संतुष्ट होने की बजाय उसकी इच्छा रहती है मैं और बड़ा रोजगार कोई ना कोई प्राप्त करूं। ग्रुप सी की डी की नौकरी वाला कहता मुझे सी मिलनी चाहिए, सी वाला कहता मुझे बी मिलनी चाहिए, बी वाला कहता मुझे ए मिलनी चाहिए, तो ये इच्छा बनी भी रहनी चाहिए और बनी रहती है, इसको बेरोजगारी नहीं कहते। सर, ई टेंडरिंग को लेकर पहले विरोध हुआ, आपने लिमिट जो है 2 लाख से 5 लाख कर दी, उसके बाद आप गांव में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि पारदर्शिता आएगी, लेकिन उसके बावजूद विरोध क्यों हो रहा है? सर देखिए, विरोध कुछ लोग करते हैं, जो जिनका अपना इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट है वही विरोध करते हैं। आज 6200 पंचायतों में से, सरपंचों में से हार्डली 500 से 700 ही ऐसे होंगे जिनको आज भी लगता है कि कुछ ना कुछ और लिमिट बढ़ा दी जाए और हम जो नेगोशिएशन जो उनसे हमको ई टेंडरिंग में ना जाना पड़े, इस प्रकार के विषय वो करते हैं, तो उसके अंदर उनका निजी स्वार्थ है, इसलिए करते हैं। लेकिन जनता जब प्रसन्न है, जनता साथ हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं। किस तरह की तैयारी सर 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की, कितनी तैयार है सर बीजेपी? पूरी तैयारी है हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, न केवल बूथ लेवल पर बल्कि बूथ से भी आगे पन्ना स्तर पर भी हमने खड़ा कर लिया है। और ये पन्ना प्रमुख लेवल 3,70,000 में से लगभग 2,70,000 से ऊपर पन्ना प्रमुख हमारे बन गए हैं। बाकी जो बचा हुआ काम है वो अगले आने वाले महीने 1.5 महीने में पूरा होगा। एक एक का डाटा रखा जाता है, एक एक को बुलाया जाता है, एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, उपलब्धियों से प्रसन्न है और इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा सीटें मिलेंगी। पार्टी की भी तैयारी है, हमारी सरकार की ओर से भी जो बेनिफिशरीज है उनको संपर्क किया जा रहा है, जो कोई उनकी आज के भी बचे छोटे मोटे काम है, उनकी शिकायतें, उनको पूरा किया जा रहा है। इसलिए जनता, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही अगली सरकार, मोदी जी की सरकार, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत करके और 300 से ऊपर बहुमत से वो सरकार बनेगी। ऐसे ही हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। सर, लास्ट सवाल मेरा, पोर्टल को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने जो पोर्टल के माध्यम से ही जो है जो बुढ़ापा पेंशन दी और जो राशन जाता है गरीब तबके के लोगों को, वो भी उसके माध्यम से पारदर्शिता है दिया, और वो कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खास करके दो विषयों पर जब आलोचना करते हैं हमारे पक्ष के लोग, एक तो नॉन इश्यूज जिसका कोई अर्थ नहीं होता ऐसे वो उठाते हैं और चलाते हैं, और एक ऐसे इश्यूज जिसका प्रत्यक्ष जनता को लाभ हो रहा है और उसके विरोध में जब बोलते हैं, जब वो कहते हैं कि हम आएंगे मेरिट खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो ऐसी सारी चीजों को जब खत्म करते, जनता को लगता है कि अगर ये खत्म कर देंगे तो जो काम सुधार के आज तक किए हैं जिसका लाभ हो रहा है वो सारे लाभ खत्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली अगर वो रहेंगे तो जनता ही उनको खत्म करेगी, जनता उनको धुतकारेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो है हरियाणा को बड़ी सौगातें मिलने वाली है, और नौकरियों को भी लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से बातचीत की गई है, और विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से निशाना जो है साधा गया है।
कैमरामैन सुनील के साथ मैं साहिल लुखाया, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।